Good evening and welcome to Shantikunj online classes. We were discussing chapter 14, wind, storm and cyclones. And we have already studied about winds. Let's start with storms. So what are thunderstorms? Yani tufan, andhi tufan kya hota hai? A thunderstorm is a storm accompanied with thunder. Yani ki jab bhi andhi tufan aata hai to aapne dekha hoga usme bijliyan khadakti hain. Formation of a thunderstorm needs अब थंडरस्टॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आंधी तूफान जैसी सिचुएशन हो जाती है. पहला है मॉइस्चर. मॉइस्चर टू फॉर्म क्लाउड्स एंड इवेंचुअली रेन. मॉइस्चर यानी कि जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो ऊपर आसमान की तरफ जाता है तो कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स बनने लगते हैं और फाइनली रेन हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है फ्रंट लाइक बीच और माउंटेन्स दैट हेल्प इन लिफ्टिंग द वार्म एयर अपवर्ड. अब जो सतह होती है पानी की उस पर जो हवाएँ होती हैं पानी के गर्म होने से वो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है. थर्ड पॉइंट इज रैपिडली यूजिंग वार्म एयर ड्यू टू द सन्स हीट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस राइजेस. सूर्य की तेज गर्मी के कारण ही जो टेम्परेचर होता है तापमान होता है वो बढ़ने लगता है. द राइज इन टेम्परेचर जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हवा होती है वो गर्म होती है और बहुत ही स्ट्रांग विंड को क्रिएट करती है विच राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि ऊपर की दिशा में चलते हैं. सेकेंडली वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो कैरिड अपवर्ड अलॉन्ग विद दीज विंड्स. इन हवाओं के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स देन फ्रीज. ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाते हैं और वापस हमारी पृथ्वी पर नीचे वर्षा के रूप में आने लगते हैं. द मोमेंट दिस मोमेंट ऑफ रैपिड राइजिंग वार्म एयर एंड फॉलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड थंडर. अब ये जो मोमेंट हो रहा है ना कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और फिर बारिश के रूप में नीचे गिर रही हैं तो इसकी वजह से बिजली का कड़कना और साथ में आवाज़ का आना आप सुनते हैं. अब हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए देखिए. व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. जैसे अगर आप घर के बाहर हैं देन अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और वॉल्स. आपको जो पेड़ हैं बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे शेल्टर यानी कि रुकने की ज़रूरत नहीं है. खुली जगह ढूंढिए. अवॉइड आइसोलेटेड शेड और आप बाहर के एरिया में जाइए ठीक है. ट्राई टू गेट इनटू अ कार और अ बस. आप किसी गाड़ी में जाइए और टेक शेल्टर इनसाइड बिल्डिंग या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग में आप शेल्टर लीजिए. डू नॉट टच द मेटल पार्ट ऑफ द कार और बस ठीक है. स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज यानी कि आपको पानी से जितना दूर जा सकते हैं आपको जाना होगा. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और जब उसके पास होंगे तो आपको खतरा होगा. इसलिए आपको सेफ शेल्टर ढूंढना है ठीक है. और अगर आप अंदर हैं अपने घर में तो आपको क्या करना है देखिए. क्लोज द विंडोज एंड डोर टाइटली. अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए. कर्टन डाल दीजिए ठीक है. ताकि क्या कहते हैं अगर तेज धमाके से या तेज आवाज़ की वजह से जो आपके खिड़कियों के शीशे हैं वो टूटें तो आपको नुकसान ना हो. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और टेलीफोन्स. आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या टेलीफोन जिनमें तार है उसको ना पकड़ें. नेक्स्ट देखते हैं. कीप लिसनिंग टू अ बैटरी ऑपरेटेड रेडियो. आपको रेडियो सुनना है ठीक है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज़ नहीं करना है. एंड अवॉइड कॉर्डेड फोन्स यानी कि जिनमें तार होते हैं यानी लैंडलाइन उनका यूज़ मत करिए ठीक है. अभी हमने थंडरस्टॉर्म पढ़ा. अब बात करते हैं साइक्लोन्स की. द वर्ड साइक्लोन इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोन्स मीनिंग द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. अ साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय अ वेरी हाई स्पीड विंड ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द ओशन. इस चीज को हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं. आइए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. अब साइक्लोन बनता कैसे है. द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ठीक है. इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो है विंड स्पीड यानी कि हवा की स्पीड क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है और कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी यानी नमी. ये सारे फैक्टर जो हैं साइक्लोन के लिए जिम्मेदार होते हैं. चलिए जानते हैं कैसे. द सन हीट्स द सर्फेस ऑफ अ ओशन वाटर यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे समुद्र जो है उसकी सतह के पानी को गर्म कर देता है. द वार्म वाटर इन टर्न्स हीट द एयर अबव इट. और ये जो पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होने लगती है. इसकी वजह से लो प्रेशर बन जाता है हमारे पूरे ओशन पे ठीक है. ड्यू टू द लो प्रेशर द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन सर्फेस बिगिन्स टू राइज रैपिडली. और इस लो प्रेशर की वजह से जो हवा थी जो कि गर्म हो गई थी वो ऊपर की तरफ जाने लगती है. एंड दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड दैट रोटेट्स स्पाइरली जो कि घुमावदार ऐसे ऐसे घुमावदार ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर कंटेनिंग
a lot of water vapor rises up high in the atmosphere, it gets cooled, है ना? जब यह गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर एटमोसफेयर की तरफ जाने लगेगी तो ये ठंडी होने लगती है और बाद में ये वाटर वेपर्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लाउड बनते हैं और थंडर क्लाउड मेनली बनते हैं. व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इट रिलीजेस हीट और इसके साथ साथ थंडर क्लाउड बन रहे हैं उसके साथ साथ ये हीट रिलीज करते हैं. ठीक है. द हीट रिलीज बाई द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर वार्म्स द एयर ऑल अराउंड. ठीक है. जब ये हीट निकलती है कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर वेपर से, है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनसे, तब क्या करता है ये उसके आसपास जितनी भी हवा होगी उन सबको क्या कर देता है, गर्म कर देगा. दिस वार्म एयर राइजेस हायर इन टू द एटमोसफेयर और ये जो गर्म हवा हो जाती है ये और ऊपर एटमोसफेयर में हमारे वायुमंडल में जाने लगती है जिसकी वजह से और लो प्रेशर बनने लगता है. मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म और जो तूफान बनेगा ना उसके बीच में और बहुत सारी हवा आने लगती है एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड और ये साइकिल रिपीट होती रहती है. ठीक है. तो ये कई बार रिपीट होती रहती है. अब आप देखते होंगे कि जब कभी साइक्लोन आता है ना तो ऊपर से उसकी इमेज दिखेंगे तो ऐसी दिखती है, यानी कि बीच में क्या होता है, एक आई का फॉर्मेशन हो जाता है चारों तरफ से हवा के प्रेशर की वजह से, एक क्या है तूफान सा बनने लगता है और बीच में एक आई का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. अब देखिए, वंस अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इट बिगिन्स टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ ओशन, यानी कि समुद्र की सतह के ऊपर ये चलने लगेगा. ये इस तरह के बवंडर तूफान जो है समुद्र की सतह पर चलने लगते हैं और इनकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा. अ साइक्लोन नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वॉर्म एंड मॉइस्चर. अगर साइक्लोन जो है उसको जिंदा रहने के लिए गर्म और मॉइस्ट नमी वाली हवा की ज़रूरत होती है. अगर ये चीज़ ना मिले इसे तो साइक्लोन भी ख़त्म हो जाता है. अब देखिए, सॉर्टन हेमिस्फेयर में हम साइक्लोन सॉर्टन हेमिस्फेयर में इस तरह के जो तूफान होते हैं उनको साइक्लोन्स कहते हैं और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं. किस तरह से, यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज जैसे कि हमारी घड़ी चलती है. और देखिए दूसरा है नॉर्थन हेमिस्फेयर. नॉर्थन हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो है उनको हरिकेन कहते हैं या फिर टाइफून. ठीक है, यानी तूफान. एंड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, इनका घूमने का डायरेक्शन उल्टा होता है. ओके. इंडिया में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर साइक्लोन जैसी चीज़ें होती हैं. ठीक है. अब है डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन, इनकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है. क्या नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान. जैसे वाटर इन द वाटर व्हाट इज गैट पुश टूवर्ड्स द शोर, यानी पानी जो होता है समुद्रों में वो किनारे की तरफ आने लगता है और जब भी किनारे की तरफ आता है तो आप जानते हैं हम इसे साइक्लोन कहते हैं. और इस तरह से जो पानी बहुत तेज मात्रा में आता है किनारे की तरफ उसकी वजह से कई सारी लॉस ऑफ लाइफ, है ना, कई सारा नुकसान होता है. आगे देखिए, जो ये लो प्रेशर है सेंटर में उसको हमने अभी बताया था आई कहते हैं. ठीक है. दिस रिजल्ट इन सी वाटर एंटरिंग द लो लाइंग एरिया नियर द कोस्ट एंड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे भी बहुत नुकसान होते हैं. इफ़ अ साइक्लोन इज अकम्पलीट बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स, साइक्लोन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होगी तब क्या होगा, नथिंग कैन स्टैंड इन इट्स वे. तो कुछ भी चीज़ बीच में आ जाए वो चीज़ नष्ट हो जाएगी. ऑल राइट. अब है डिप्रेशन. साइक्लोन्स आर द टेम्परेट लैटिट्यूड स्पेशली इन यूरोप आर ऑफन कॉल्ड डिप्रेशन सिंस दे आर सिस्टम विथ लो प्रेशर सेंटर्स. ठीक है. आप ये देखो बीच में आई है, ये आई वॉल है और ये स्पाइरल रेन ड्रॉप्स इस तरह से चलती हैं ये. ठीक है. आप इसको इस फिगर में भी देख सकते हैं कि बीच वाला हिस्सा हरिकेन के बीच का हिस्सा कैसा होता है, हम आई कहते हैं. यहाँ पे कूल डेंस है एयर जो कि इसमें आती रहती है, मिलती रहती हैं और ये एक करंट बनाती हैं जो कि हरिकेन विंड एंड रेन मॉइस्ट एयर और वार्म मॉइस्ट एयर होती है. ये एक साइक्लोन के लिए ज़रूरी तत्व है और ये जब तक मिलते रहेंगे इनको मॉइस्ट एयर तब तक ये बना रहेगा. ठीक है. विंड्स आर नॉट वेरी वॉयलेंट and they do not cause any damage, they are mainly associated with rains. wind हवाएं ऐसे नुकसान नहीं देती हैं लेकिन जब वो रेन के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो नुकसानदायक होती हैं. बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में देखेंगे. इसमें आपको ना समझ में आए तो मुझे पक्का बताइएगा. तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की बातें सुनें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें.